जी हाँ स्टूडेंट, जहाँ एनआईएल बोर्ड ने क्लास 10 की ये घोषणा कर दी है कि ना ही उनके कोई प्रैक्टिकल एग्जाम ना ही थ्योरी एग्जाम होंगे और उनको जो है किसी पैटर्न पे प्रमोट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए तो कुछ समाधान नजर आ रहा है एनआईएल बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी भी दाव फंसा हुआ है यहाँ पर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एनआईएल बोर्ड के वो स्टूडेंट जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्रैल माह के लिए अप्लाई किया था और जून में जिनके एग्जाम होने थे, तो उनकी अभी भी जो है ये समस्या बनी हुई है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत जो है दिन प्रतिदिन जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है मीटिंग्स ले रहे हैं और हर मीटिंग में कोई ना कोई नया जो है एक विकल्प निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि जो रविवार को एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली गई जिसमें जो है सारे राज्य के शिक्षा मंत्री, सारे राज्य के शिक्षा सचिव और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता पे ये मीटिंग ली गई और जिसमें कुछ निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि अभी जो है फैसला बाकी है और जल्द ही घोषणा करेंगे। तो वो क्या फैसला होगा और क्या घोषणा करेंगे उसको लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं और उससे एनआईएस बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, मैं हूं एनआईएस एक्सपर्ट और ये चैनल है वीसीआईसी गुरुजी। ये एक ऐसा चैनल जिसको आपने इतने कम समय में इतना प्यार देकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से कोई भी नया आया हो हमारे इस वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एनआईएस की छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआईएस बोर्ड के क्लास 12 के जून वाले एग्जाम्स होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आगाह कर दूं, जितने भी क्लास 12 के एनआईएस बोर्ड के जून में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है वो अपनी कमर थोड़ी सी कस लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया इस ओर जाते हुए नजर आ रही है कि आपके एग्जाम हो सकते हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ जिसने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो लेकर आए थे जिसको मीटिंग से पहले ही मैंने वीडियो डिक्लेयर कर दिया था कि हो सकता है कि एग्जाम हो और अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। रविवार को जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12 की या जेईई मेन की या नेट की या कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनकी परीक्षाओं को जो है रद्द करने से अच्छा कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए कि इनकी परीक्षाएं हो पाए। और शिक्षा मंत्री ने ये जो है आश्वासन भी दिया है कि हम लोग जल्दी कोई ना कोई घोषणा करेंगे क्योंकि हम निर्णय तक पहुंच रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सुझाव पहुंच चुके हैं। कुछ सुझाव उसमें से ऐसे आए हैं जिसमें यह माना गया है कि सीबीएसई बोर्ड ये प्लान कर रहा है कि 20 ऐसे मेन सब्जेक्ट जो उनके हैं उनका एग्जाम ले लिया जाए जो कम समय में जल्दी से कराया जा सकता है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने कहीं ना कहीं पे ये कमर कस ली है कि किसी भी तरीके से हम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को करा पाए और जो अभी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जितने भी शिक्षा सचिव हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी जो है स्पेशलिस्ट हैं, उन सबके सुझाव में यही निकल के आ रहा है कि एग्जाम जरूर कराएं। तो कहीं ना कहीं पे सीबीएसई बोर्ड अभी ऐसे घोषणा करने वाला है जो घोषणा 1 जून को होनी है, उस 1 जून में ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कब होगी। जी हाँ, अब मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि कब होगी, अब इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया कि हो सकता है कि आपके एग्जाम हो। तो यानी कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अगर एग्जाम होते हैं तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि किस मंथ में होंगे, क्योंकि जैसे ये बताया गया था कि 15 दिन पहले एटलीस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए अगर जुलाई में जो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो जुलाई के मंथ में एनआईएस ओपन बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। तो यानी कि एनआईएस ओपन बोर्ड के एग्जाम जुलाई की अगर 15 तारीख तक सीबीएसई खत्म कर देता है तो उसके बाद एनआईएस ओपन बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी के भी एग्जाम होंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं एनआईएस के और सीबीएसई बोर्ड के, उनका मेरे को यही कहना है कि अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। मैं पिछले वीडियो से भी ये बात बोलता हुआ रहा था, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, एनआईएस क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपने प्रैक्टिकल्स को तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिकल की अगर आपको जरूरत है, 100 प्रैक्टिकल चाहिए तो हमारे नंबर से संपर्क करिए, हम आपको वो फाइल जरूर देंगे। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी को चाहिए या फिर हमारा एनआईएस सक्सेस मंत्रा कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि वापस आ जाइए पढ़ाई की दुनिया में और धीरे धीरे तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अभी प्रमोट होने के चांसेस लगभग लगभग खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का वो ये है कि एक तरफ तो सुरक्षा भी रखनी है और साथ साथ में किसी भी तरीके से हम लोग जो है एग्जाम भी जरूर कराएं। तो अगर सरकार परीक्षा कराने के फेवर में है तो आप लोग भी तैयार रहिए। एनआईएस ओपन बोर्ड भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करेगा और आपके एग्जाम होंगे, तो तैयारी कर लीजिए कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है और कैसे आपको अपनी इतने कम समय में प्रिपरेशन करनी है। तो ये मेरी खास जानकारी थी आज उन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरीके के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।